ये देखिए पूरा घी आ गया है और ये जो मलाई है वो रवादार हो गई है। ये देखिए और ये जो छना हुआ है ना, इसका मैं अभी आपको मिल्क केक बताऊंगी कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। 2000 years later. ये जो मलाई का छना हुआ है इसमें हम आधी कटोरी दूध डाल देंगे इस तरह से। ये इसका मिल्क केक बन जाएगा और शक्कर जितनी क्वांटिटी उस हिसाब से मैं 4 चम्मच डालूंगी। 2 इलायची। देखा आपने, मलाई से घी भी निकाल लिया और मिल्क केक भी बना लिया। इसको अच्छा सा ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये, लेकिन ये मलाई फ्रेश होनी चाहिए, नहीं तो मलाई में कड़वाहट हो जाएगी ज़्यादा बासी अगर मलाई होगी तो। ये देखिए ये बन गया हमारा मिल्क केक। ये पूरा हलवे के जैसे पूरा मैंने दूध सुखा लिया है, शक्कर पानी पूरा सुखा लिया है। ज़्यादा नहीं इसको सुखाना है, नहीं तो ये पूरा कड़ापन आ जाएगा। थोड़ा सा सॉफ्ट जैसे मिल्क केक होता है वैसे ही सॉफ्ट रखना है इसको। गैस मैंने बंद कर दिया। देखिए पूरी तरह से दूध और शक्कर का पानी सूख गया है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं या इसकी चक्की जमा के भी रख सकते हैं। ये मैंने प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लिया और इसको इस तरह से जमा दूंगी मैं, जैसे क्योंकि गर्म है। ये देखिए इसकी जो मलाई का हमारा जो बचा हुआ था उसका मैंने मिल्क केक बना लिया है और इस तरह से इसकी चक्की जमा देंगे। तो ठंडा होने के बाद ही काटना है, गरम बिल्कुल नहीं। फिनिशिंग आएगी और बहुत ही टेस्टी लगती है यार। थोड़ा सा 2-3 दिन की या 4 दिन की मलाई इकट्ठा करके इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए ये हाथ से जमा के एकदम मिल्क केक वाला टेक्सचर आया इसमें। और ये आप मलाई से घर में मिल्क केक देखिए पूरा का पूरा एकदम मिल्क केक वाला टेक्सचर है। ये देखिए मलाई से हमारा घी निकल गया है। मलाई एक भगोनी थी, उसमें आधी कटोरी घी फ्रेश घी है। आप इसको खिचड़ी में, दलिया में और फलके में यूज़ करिए, एकदम फ्रेश घी है। बहुत अच्छी सुगंध आ गई है। और जो छाना हुआ था उसका मैंने ये मिल्क केक बना लिया है, ये भी आप घर में ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए तो मैं नई नई डिश लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।